So we will discuss today topic biogas production. ठीक है, पहले चलो एक बार हम समझ लेते हैं, फिर ये डायग्राम बनाना. तो बायोगैस जो है, ध्यान से समझना, बायोगैस जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S एंड हाइड्रोजन. थोड़ी थोड़ी और गैसेस भी होती है. मीथेन जो है इट इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस. दूसरी बात है, इज यूज्ड, बायोगैस किसमें यूज होती है, इज यूज्ड इन कुकिंग, ये मैंने पहले भी बताया था, एंड लाइटनिंग या लाइटिंग, नॉट लाइटनिंग, इट इज लाइटिंग. क्यों, ऐसा क्यों, एज मीथेन जो है इज मेनली, हम मीथेन की बात करते हैं, हाईली इनफ्लेमेबल. बायोगैस जो है रॉ मटेरियल्स क्या है बायोगैस बनाने के लिए, इट इज द, यू कैन से, डिग्रेडेबल प्लांट मैटर प्लस कैटल डंग प्लस माइक्रोब्स. कौन से माइक्रोब्स, वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स है. फर्स्ट तो है बहुत सारे माइक्रोब्स है, बट मेनली अगर हम कहें मेनली मिथेनोजेंस, सच एज मिथेनोजेंस तो एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया की, यू नो, बट कौन से मिथेनोजन, सच एज मिथेनो बैक्टीरिया. ठीक है, जो मिथेनोजेंस है उनका फंक्शन क्या है, पहली बात तो दीज आर एनारोबिक, सेकंड है दे एक्ट ऑन सेल्यूलोज कंटेनिंग मैटर, डाइजेस्टेड एंड प्रोड्यूस मीथेन ऑल्सो. ठीक है, डाइजेस्ट भी करती है उसको और साथ साथ में मीथेन बनाती है. ठीक है, यहां पे याद रखना, सो इट इज एनारोबिक डाइजेशन. एनारोबिक डाइजेशन और जो बच जाता है, एंड फर्मेंटेशन ऑल्सो. ठीक है जी, और यहां पे याद रखना है कि अम्मा या टाइप ऑफ
type of gas produced in fermentation? मेनली हम बात करते हैं फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कि क्या यूज हो रहा है फर्मेंटेशन में, एंड ऑल्सो ऑन टाइप ऑफ माइक्रो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यीस्ट यूज करें तो गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. अगर लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करें तो नो गैस, ओनली लैक्टिक एसिड. तो इस तरह से गैस कौन सी प्रोड्यूस हो रही है ये डिपेंड कर रहा है पैथोजन. ठीक है, तो यहां पर हम प्रोसेस में लिखवाऊंगी, बट यहाँ पे हम डंग वाटर और साथ में हम प्लांट वेस्ट. ठीक है, प्लांट वेस्ट जो हम गिरे पड़े प्लांट्स होते हैं हमारे घरों में, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, ये सब हम डाल देते हैं इसमें. यहां से ये रॉ मटेरियल कहाँ पे जा रहा है? डाइजेस्टर में. हमने डंग क्यों ऐड की? हमने प्लांट मैटर ही तो ले लिया, उसी में ही सेल्यूलोस है. डंग क्यों ऐड की? एक तो डंग में ऑर्गेनिक मैटर है जो डाइजेस्ट हो सकता है, और डंग में बहुत सारे मिथेनोजेंस है. मिथेनोजेंस कहाँ पे एक्चुअल होते हैं? मिथेनोजेंस कैटल के र्यूमन में है, कंपाउंड स्टमक के पार्ट में है, र्यूमन में है. तो बहुत सारे मिथेनोजेंस जो है वो डंग के थ्रू बाहर भी आ जाते हैं. तो डंग जो है प्रोवाइड्स द माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये सब डंग वाटर प्लांट मटेरियल जो है इसकी हम बहुत सारी स्लरी बना देते हैं, या यहाँ पे हम डंग और वाटर प्लांट मटेरियल हम यहीं पे ही ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे प्लांट मटीरियल, गिरे हुए पत्ते, टहनियां, छिलके, यहाँ पे प्लांट मटेरियल ले लिया. ठीक है, यहाँ पे डंग एंड वाटर की जो स्लरी है, स्लरी होता है मिक्सचर, वो हमने यहाँ पे डाल. ठीक है, और यहाँ पे वेरियस माइक्रोब्स एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, पहले डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसकी फर्मेंटेशन. डाइजेशन मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, सेल्यूलोस है, जैसे पहले उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाना और फिर आगे जो है उसकी आगे फर्मेंटेशन करनी, जिससे मिक्सचर ऑफ गैसेस. एक तो बैक्टीरिया हमने मेन बता दिया, मिथेनो बैक्टीरिया, बट देयर आर मेनी अदर बैक्टीरिया ऑल्सो, राइट? सो ऑल दीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन दिस ऑर्गेनिक मैटर, कॉजेज इट्स डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन, प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं डाइजेस्टर. इसके ऊपर ये एक हम प्लेट कह लो, या एक प्रेशर रखने वाला एक हम इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं. जैसे ही गैस प्रोड्यूस होती है ये ऊपर को उठता है, राइट? और इसके साथ हम एक पाइप लगा देते हैं जिससे गैस बाहर की तरफ जाती रहती है, राइट? एंड दिस गैस इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स टू द नियर बाय हाउसेस एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग एंड ऑल दैट, राइट? और यहां से जो यूज्ड है, एक बार जो स्लरी ऑर्गेनिक मैटर यूज हो गया, ठीक है, वो यहां से बाहर आ जाती है स्लज, एंड इट इज यूज्ड एज यू नो मैन्योर. यूज्ड एज मैन्योर, जो बची कुची है इट इज यूज्ड एज मैन्योर. दिस इज बायोगैस प्रोडक्शन. ये कुकिंग में काम आती है, ये लाइटिंग में काम आती है. इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन एंड इट हेल्प्स इन यू नो getting rid of lot of dung and the plant matter, plant waste. उनसे भी हम बच जाते हैं, अभी इसको अब क्या करें क्या ना करें. ठीक है, तो इसलिए this is the useful process. But सिर्फ एक चीज क्या है कि हमें बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप करना पड़ता है फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन. क्या ड्रॉबैक है? बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ता है,
और जो बायोगैस है उसकी बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, इसलिए बहुत मतलब वी हैव टू यूज लॉट ऑफ बायोगैस फॉर लेस एनर्जी प्रोडक्शन, बट स्टिल इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, पहले आप ये लिखो, फिर मैं आपको और आगे बताती हूँ। तो राइट डाउन बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस, या पहले प्रोसीजर लिख लो, पहले प्रोसीजर लिख लीजिए, प्रोसीजर ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। द बायोगैस कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक, बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक 10 to 15 feet deep, 10 to 15 feet deep। सेकेंड पॉइंट आ जाइए, द कंक्रीट टैंक इज फेड विद FED, फेड विद मतलब उसमें डाला जाता है, फेड विद बायोवेस्ट, बायोवेस्ट ब्रैकेट में लिख लो प्लांट मैटर, प्लांट मैटर सच एज लीव्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा, पील्स ऑफ PW उनके छिलके, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ब्रैकेट क्लोज, एंड स्लरी ऑफ डंग, स्लरी ऑफ डंग विद वॉटर। सेकेंड पॉइंट आ जाइए, द डंग कंसिस्ट्स ऑफ, द डंग कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड लॉट ऑफ मिथेनोजेंस। फुल स्टॉप करके, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द रूमन ऑफ कैटल, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द रूमन ब्रैकेट में लिख लो पार्ट ऑफ कंपाउंड स्टमक, रूमन क्या है, पार्ट ऑफ कंपाउंड स्टमक ब्रैकेट क्लोज ऑफ कैटल। Which helps in digestion of cellulose, which helps in digestion of cellulose. Full stop. Many methanogens are excreted in the dung. Therefore, गोबर और डंग एक ही बात है, गोबर और कैटल डंग इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट, एज डंग इज यूज्ड इन बायोगैस प्लांट्स एज द सोर्स ऑफ मिथेनोजेंस एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर, therefore biogas is also called as gobar gas. Therefore biogas
is also called as Gobar gas. Next hai, in the concrete tank the organic matter is first digested and then fermented to produce biogas. Having methane, carbon dioxide, H2S, and hydrogen. Full stop karte, methane is the major component of biogas. Next point है, a floating cover is placed over the slurry. On the concrete tank. Which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity. Next point hai, the biogas plant has an outlet. The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe that supply biogas in the adjacent regions and is used for cooking and lighting purposes. The spent slurry is called as sludge. And is removed through another outlet. It is used as manure or biofertilizer. Kuch bhi keh sakte. It is used as manure or biofertilizer. Theek hai ji? To hum jo hai, agar hum digestion ki process dekhi to kya hai? सबसे पहले है
ऑर्गेनिक मैटर, रिच इन कॉम्प्लेक्स शुगर्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इनकी क्या होती है? डीकंपोजर्स, डीकंपोजिशन। इन पे एक्ट करते हैं डीकंपोजर माइक्रोब्स। ठीक है, सिर्फ मिथेनोजेंस नहीं होते हैं, मैं दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे, डंग में सिर्फ मिथेनोजेंस नहीं है, और भी कई टाइप के बैक्टीरिया है। ठीक है, एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर्स। ये पॉलीमर्स है, डाइजेस्ट होके मोनोमर्स बनते। फर्मेंटिंग माइक्रोब्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। And then comes methanogens, results in production of methane, carbon dioxide, H2S and hydrogen, that is biogas. ठीक है जी, in India बायोगैस प्रोडक्शन इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ IARI दिल्ली। IARI की फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। ये दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी विलेज कमीशन इंडस्ट्रीज। खादी एंड विलेज कमीशन इंडस्ट्रीज, राइट? सो विलेज ICA, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विज्ञान इंडस्ट्रीज कमीशन। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंस्टीट्यूट्स दिस इज डेवलप, दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप, इट इज वर्किंग इन रूरल एरियाज। व्हाई रूरल एरियाज? क्योंकि वहां पर जो ये गोबर है वो सफिशिएंट मिल जाता है, इसलिए दीज आर मेनली वर्किंग इन रूरल एरियाज। देन एडवांटेजेस क्या है? नो पोल्यूशन, गेट रिड ऑफ प्लांट वेस्ट्स एंड कैटल एक्सक्रीटर। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है या ड्रॉबैक्स? डिसएडवांटेजेस तो नहीं हम कहेंगे, हम ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। रिक्वायर लार्ज सेटअप, लगता तो हमें छोटा सा बट बहुत बड़ा, लार्ज सेटअप एंड दिस इज कॉस्टली। एंड सेकंड है गोबर गैस या बायोगैस हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसी थोड़ी सी ड्रॉबैक्स है बट
आई डोंट थिंक दिस इज अ ड्रॉबैक, क्योंकि एक बार सेटअप हो गया तो हमारे पास बहुत ज्यादा कैटल एक्सक्रीटा होता है, बहुत ज्यादा प्लांट वेस्ट होता है, इसलिए बहुत सारी बायोगैस बन सकती है, राइट? सो दिस इज अबाउट बायोगैस, ये पॉइंट्स भी लिख लो. क्या रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स? Role of microbes as biocontrol agents. So biocontrol agents such as bio insecticides and bio herbicides, जिनको हम और क्या कह सकते हैं, bio weedicides, और इन दोनों को मिलाकर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स भी कह सकते हैं एंड बायो पेस्टिसाइड्स. क्या मतलब है अब इसका? सो पहली बात तो व्हाट इज ए पेस्ट? एनी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म इन ए फील्ड या फॉर्म विच हार्म्स द क्रॉप इज ए पेस्ट. जो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएगा वो हमारे लिए एक पेस्ट है. टाइप्स ऑफ पेस्ट्स, आपको पता है वीड्स ग्रो कर जाती है, अनवांटेड प्लांट्स. अब बात ये है कि ये प्लांट्स नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं बेटा? क्योंकि दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड देयरफॉर लेस न्यूट्रिएंट्स विल बी अवेलेबल टू अवर क्रॉप. दूसरा, ये जगह ले लेते हैं, हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए जो वीड्स है दे एक्ट एज द पेस्ट्स. Then, various fungi, which cause diseases. Then, various insects. Which feeds on leaves, roots, etc. Main to ye hai, baki different viruses, bacteria, जो हमें अंदर दिखते नहीं, ठीक है? तो मेनली पेस्ट जो है वो जो हमें बाहर से नजर आते हैं, ये तीन जो है दीज आर मेन पेस्ट्स, राइट? जो हमें बाहर से नजर आते कि ये हमारी फसल को खराब कर रहे हैं. अब इनको पेस्ट इरेडिकेशन easy and mostly used कौन सा method है? That is chemical pesticides.
डीडीटी लाओ, छिड़काव कर दो, और भी बहुत सारी है, मैं तो मुझे पता नहीं है, बट बहुत सारे केमिकल्स है कि एफिड्स आ गया इस पे ये छिड़काव करो, ये आ गया इस पे ये छिड़काव करो, ठीक है। वट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स? सबसे पहले तो एज दीज आर मेनली एरोसोल्स, एरोसोल्स मतलब जो हवा में डिजोल्व हो जाते हैं, दस कॉज एयर पोल्यूशन, जिसके साथ बहुत सारे है ना एयर पोल्यूशन एंड दैट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सेकेंड है आर नॉट स्पेसिफिक देयरफॉर किल्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। बहुत सारे यूजफुल है जो पॉलिनेशन करते, डिस्टर्ब्स इकोलॉजिकल फूड चेन्स, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स कॉजेस स्टार्वेशन ऑफ देयर प्रीडेटर, जो इन इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है जी। तो causes starvation of the predators and thus they also die. This decreases diversity and disturbs ecological balance. क्योंकि उन प्रीडेटर जो इंसेक्ट्स को खाते थे, वो प्रीडेटर्स को भी तो कोई ना कोई खाता होगा ना, उनके भी आगे प्रीडेटर्स होंगे, तो वो भी स्टार्व हो जाएंगे। तो इस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इज इट राइट? देन इन लॉन्ग रन the pests develop resistance against chemicals, जिसकी वजह से क्या होगा, there is increase in रेजिस्टेंट पेस्ट्स। तो उनको खत्म करना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब हम लेट अस से सबसे पहले क्या हुआ था, एक बार डीडीटी जो है, मैंने शायद पहले भी कभी बताया होगा कि जब सबसे पहले डीडीटी आई तो उससे बहुत सारे मॉस्किटो स्प्रे किया, मॉस्किटोज बहुत सारे मर गए, ऐसे लगा कि मॉस्किटोज तो खत्म हो गए। तो ह्यूमंस ने सोचा ले डीडीटी आ गई है, बस मॉस्किटोज तो खत्म हो जाएंगे, अब मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस खत्म है। उसके बाद कुछ 5-10 सालों बाद, तो कुछ टाइम तो ठीक चला, 5-10 सालों बाद फिर मॉस्किटोज बहुत बढ़ गए। तो ह्यूमंस थॉट कि वी हैव डीडीटी, नो प्रॉब्लम, वी विल स्प्रे डीडीटी एंड मॉस्किटोज गेट्स किल्ड। बट व्हाट हैपेंड कि डीडीटी का स्प्रे किया,
मॉस्किटो नहीं मरे, इनफैक्ट ह्यूमंस को डीडीटी के अंदर गई और उससे ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। अब फिर ह्यूमन परेशान कि इस बार मॉस्किटो क्यों नहीं मरे, तो अब देखा कि जो मॉस्किटोज है नाउ दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू द डीडीटी, राइट। तो ये देखा गया कि नेचर ने तो ह्यूमन भी बनाए हैं, नेचर ने मॉस्किटो भी बनाए हैं। अगर उसने हमें रहने के लिए एनवायरनमेंट दिया है तो उसने मॉस्किटोज को रहने को भी एनवायरनमेंट दिया है। अगर उसने हमें कुछ डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी तो मॉस्किटोज को भी धीरे धीरे करके डीडीटी से रेजिस्टेंट बना दिया। तो नेचर ने तो सबको ख्याल करना, तो इट्स नॉट यूजफुल टू यू नो, ना तो हमारे बस में है सब कुछ खत्म करना कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है इसको खत्म कर दो, ये हमारे बस की बात नहीं है। एंड इट इज नॉट गुड टू कंप्लीटली इरेडिकेट द पेस्ट सोर्स, राइट। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है, पहले आप ये लिखो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ और कि ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है वो कभी भी इस मतलब ये नहीं सोचते कि इस पेस्ट को खत्म कर दिया जाए, बट वो कहते हैं कि मैनेजेबल लेवल पे हो कि ये पेस्ट भी रहे और हमारी क्रॉप को भी ज्यादा नुकसान ना हो। दिस इज द थॉट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, ठीक है। पहले ये लिखो, मैं फिर आपको आगे लिखवाती हूँ। नेक्स्ट आ जाइए अप्रोच ऑफ बायो फार्मर्स। बायो फार्मर्स या ऑर्गेनिक फार्मर्स, तो पहली बात तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल्स। They use manures वही जैसे जो मेरा मतलब जो गोबर है और गोबर खाद जो हम कह देते हैं या प्लांट मैटर से जो बनती है खाद, दैट इज मैन्योर। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, क्रॉप रोटेशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन। देन अनदर इज यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, कुछ भी केमिकल यूज नहीं करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऐसा अगर हम ये कहें कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो बेटा जिस टाइम ये केमिकल्स नहीं थे उस टाइम भी फार्मिंग होती थी, उस टाइम भी इंसान जिंदा था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, बट हम इजी वे अप्रोच ढूंढते, ठीक है जी। तो दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, लिखो जरा जल्दी से। और साथ में मैंने बताया कि अप्रोच क्या है ऑर्गेनिक फार्मर्स, ठीक है, दैट इज गेटिंग रिड ऑफ पेस्ट्स बाय बायोपेस्टिसाइड्स एज दे नो फर्स्ट, क्या पता है उन्हें, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट्स इज नॉट पॉसिबल इवन विद
केमिकल पेस्टिसाइड्स, क्योंकि क्या है पेस्ट क्या कर लेते हैं, दे डेवलप रेजिस्टेंस. सेकंड है कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट्स इज अनडिजायरेबल. ये होना भी नहीं चाहिए. एज इट मे कॉज लॉस ऑफ बेनिफिशियल या यूजफुल प्रीडेटर्स ऑल्सो. मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, प्रीडेटर्स भी खत्म हो जाएंगे. प्रीडेटर्स एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स. विच फीड ऑन, यू नो, विच फीड ऑन पेस्ट्स. ठीक है जी. तो use of biopesticides क्या करते हैं, they decrease our dependence on toxic chemicals. ठीक है जी. एंड यूज ऑफ बायो कंट्रोल ऑल्सो रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स खरीदने नहीं होंगे. ठीक है, नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस, यू कैन से एयर पोल्यूशन एंड वेरियस डिजीजेस. ठीक है जी, नेक्स्ट है also maintains health of ecosystem. ठीक है जी. और last point है a farmer should know the habitat feeding pattern life cycle etc. of both pest and predators in biofarming ya organic farming. ये जो है वो फार्मर को पता होनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरह से काम किया जा सके, हम केमिकल्स पे डिपेंडेंट ना हो. और केमिकल्स पे डिपेंडेंट नहीं होने से क्या होगा,
कि बहुत सारे डिजीजेस, अगर आप इस टाइम पंजाब में जाएं जहां पर बहुत सारे केमिकल्स और ये सब यूज होते हैं, ठीक है, और कहाँ पे ये आई होप मालवा वाली साइड, यहाँ पे संगरूर, बठिंडा, बरनाला, मोगा, इस वाली तरफ जो है ना, यहाँ बहुत ज्यादा फसल भी बहुत ज्यादा है, ये नहीं है, बट बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते हैं, एंड दैट इज वाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कैंसर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इतनी है इस बेल्ट में कि कुछ आप कह नहीं सकते. यू गो टू पीजीआई एंड यू विल सी लॉट ऑफ दीज पीपल सफरिंग फ्रॉम मेनी सीरियस डिजीजेस. ठीक है, तो एक हम ये कहते हैं एक फार्मर को, एक ये तो है कि भाई मुझे फसल ज्यादा आ रही है, मुझे पैसा ज्यादा आ रहा है, बट अगर हम फार्मर्स ये सोचते हैं कि हम अपना अलग खेत रख लेंगे जिसमें हम विदाउट पेस्टिसाइड्स वाली जो है वो क्रॉप लगाएंगे, जो हम अपने घर के काम में लाएंगे, दैट इज ओके, वो सब ठीक है, बट जो एयर में चले गए वो तो सभी के ही अंदर जा रहे हैं ना, और वो वहां पर जो फार्मर्स की फैमिलीज रहती है उनके अंदर सबसे ज्यादा जा रहे हैं, जो पानी में है ना, ये सब पानी में फर्टिलाइजर्स, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है, ये पानी में मिल रहा है, वही पानी जमीन के अंदर जा रहा है, वही हम बाहर निकाल के पी रहे हैं, तो वो तो सब में जा रहा है, चाहे उसने अपना खेत अलग बना लिया या कुछ कर लिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी के बारे में अगर हम बुरा सोचते हैं, चल ये तो पेस्टिसाइड वाले क्रॉप खा ले हम बच जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता. ये एयर में जाते हैं, ये पानी में जाते हैं, जिसके थ्रू ये सारी पॉपुलेशन में जा सकते हैं. तो दिस इज द रूल, इफ वी थिंक गुड ऑफ अदर्स द अदर्स विल थिंक गुड ऑफ अस एंड द गॉड विल थिंक गुड फॉर अस, राइट, एंड इफ वी डोंट थिंक गुड फॉर अदर्स देन वी विल नेवर गेट बेनिफिट. That is the role in case of, that is seen in case of, you know, Punjab. ठीक है जी, चलिए ये कर लो भाई. तो बेटा अब हम टेबल बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक पेस्ट्स को खत्म करते हैं. तो यहाँ पे है बायो कंट्रोल एजेंट एंड दिस इज ए पेस्ट. सबसे पहले आ जाता है लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाइज. They helps in getting rid of aphids and mosquitoes. Then another is bacteria, bacillus thuringiensis. Its spores are eaten by larva of specific insects such as larva of, ya aap keh sakte hain, such as caterpillar of butterfly. ठीक है, ऐसे बहुत सारे bacillus thuringiensis कई टाइप के स्पोर्स बनाते हैं जो लार्वा ऑफ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स खाते हैं. इससे क्या होता है, दे कॉज या दे प्रोड्यूस स्पोर्स, प्रोड्यूस एक्टिव टॉक्सिन
इन द गट, गट मतलब उनकी एलिमेंट्री के नाम, गट इन लार्वा, जो टॉक्सिन है क्रिएट्स पोर्स इन देयर गट, उनकी एलिमेंट्री कैनाल में छेद कर देते हैं, बहुत सारा पानी आ जाता है जिसके कारण लार्वा गेट स्किन्ड। ठीक है, तो हार्मफुल इंसेक्ट्स को ही ये मारते हैं जनरली। ठीक, एंड रिमेंबर दैट दैट टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन जीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। And are introduced genetic engineering से introduced in plants, in some plants to make them insect resistant. ठीक है, इनमें ये genes जो है leaves में letters से एक्सप्रेस की, तो जब इंसेक्ट्स ने उनके लार्वा ने इनके इंसेक्ट लार्वा ने इन प्लांट्स के लीव्स खाए तो वो टॉक्सिन लार्वा में चला गया और लार्वा मर गए। ठीक है, सो सच एज फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, बीटी मतलब बेसिलस थ्यूरिंजियनसिस, राइट। अनदर इज Cactoblastis cactorum, ये एक इंसेक्ट है, इट फीड्स वोरेशियसली ऑन ओपेंशिया या कैक्टस, अ प्रॉब्लेमेटिक वीड। ये ऑस्ट्रेलिया में इतना ओपेंशिया हो गया था कि इसको खत्म करना मुश्किल था, तो वहां पे कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरस नाम का जो इंसेक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया। वो इतनी जल्दी 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 खाता है कि उसने ओपेंशिया की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म कर दी, राइट। सो दिस इज, हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज बायो हर्बिसाइड। ये किस कैटेगरी में आ जाता है, दिस इज बायो हर्बिसाइड। पहले ये नोट करो, फिर मैं और आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। इसको कॉमनली कॉकनियल इंसेक्ट भी कह देते हैं, दिस इज कैक्टोब्लास्टिस ऑल्सो कॉल्ड एज कॉकनियल इंसेक्ट। राइसोलाइना बीटल्स, used for controlling Klamath weed in USA.
फंगस ट्राइकोडर्मा, इट लिव्स इन सॉइल एंड दस ईट्स अप या किल्स मेनी सॉइल बोर्न पैथोजेंस. देन बैक्यूलो वायरसेस, दीज आर कैटेगरी ऑफ वायरसेस which infects and kills specific insects. ठीक है, they are, मैंने अभी बताया, they are insect specific and has no other side effects. They do not attack, you know, humans, birds, plants, fishes, etc. So these are some of the, कुछ है, सारे नहीं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, बट दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स. और अगर ये हम यूज करना शुरू कर दें तो बहुत फायदा हो जाएगा, केमिकल्स बंद हो जाएंगे, कुछ ना सोचो तो सिर्फ हमारी हेल्थ पर ही बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, राइट? सो दिस इज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, ये भी हमें बायो कंट्रोल एजेंट्स बताए हैं. कल मैं, नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे कि माइकोराइजा क्या है, ऑल्दो आपने किया भी हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से है, माइकोराइजा कैसे काम करता है. सो दे ऑल्सो कम अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, तो सिर्फ एक यहाँ पे लिख लो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM. IPM फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. It helps in maintaining balance between prey and predators. To produce more crops without any use of chemical pesticides. ठीक है जी, तो आज के लिए इतना, बाकी हम next time करेंगे, right?